देखिए ब्रजवासी बालक कितने भाव से होली खेलते हैं, 11 महीने इंतजार करते हैं तब जाकर के ये दिन उनको मिलता है। और जो भी भक्त यहाँ से जा रहे हैं उनको रंग से सराबोर करते हुए निकाल रहे हैं। फॉरेनर हैं, कहीं बाहर से पधारे हैं महाराज, और देखिए होली के रंग में सराबोर हो गए हैं। कैसी अलौकिक महिमा है हमारी किशोरी जी की होली की महाराज। आलसी गिरधर की बैरागिन बन गई और मीराबाई बन गई। मेरे सारे दरवाजे बंद थे और आज मेरे लिए गिरधर ने सारे दरवाजे खोल दिए। मैं गिरधर की हो गई, गिरधर मेरा हो गया। लठमार होली के लिए देवता भी तरसते हैं, इंसान की तो चलती क्या है। जिस समय लठमार होली होती है सूर्य नारायण भी अपनी जगह पे स्थिर हो जाते हैं 5 मिनट के लिए। तो और ये स्थान वो स्थान है, सब जगह ठाकुर पूजे जाते हैं। यहाँ ठाकुर आज डंडों से पीटे जाते हैं और परम आनंद की वर्षा होती है। होली के रसिया की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारा से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज शाम को 4 बजे विश्व प्रसिद्ध श्रीधाम बरसाना की लठामार होली होनी है। प्यारे श्याम सुंदर अपने सखाओं को लेकर के आज शाम को 4 बजे श्रीधाम बरसाना पधारेंगे। उससे पहले कैसा आनंद रस श्रीधाम बरसाना में बरस रहा है उसी के दर्शन के लिए हम आपको श्रीधाम बरसाना लेकर के आए हैं। तो आइए आनंद लेते हैं। आज लाडली जी के चरणों में किस प्रकार का आनंद रस बरस रहा है लठामार होली के पावन दिन, आइए आनंद लेते हैं श्रीधाम बरसाने के अलौकिक दर्शनों का। और आप भक्तों से मैं एक निवेदन करूँ, अगर आप समस्त ब्रजमंडल के दर्शन अपने व्हाट्सएप पर करना चाहते हैं तो आप नीचे जो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं उन नंबरों से ज़्यादा संख्या में संपर्क करके ब्रजमहिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और नित्य सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे ब्रजमंडल के अलौकिक दर्शनों का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करें और समस्त ब्रजमंडल की अलौकिक होली का दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो आइए चलते हैं श्रीधाम बरसाना में। आज कुंज गलियों में, फूल गलियों में और रंगीली गलियों में किस प्रकार का आनंद रस आज साक्षात बरस रहा है, आइए आनंद लेते हैं आज लठामार होली के पावन दिन। क्योंकि ऐसे दर्शनों का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके ऊपर किशोरी जी कृपा करती हैं। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के दर्शनों का। और मैं बिल्कुल लाडली जी महल की सीढ़ियों के नीचे खड़ा हुआ हूँ और देखिए जो भक्त लाडली जी के दर्शन प्राप्त करके आ रहे हैं किस प्रकार की उमंग है, किस प्रकार का उत्साह है। भक्त जयकारे लगा रहे हैं लाडली जी के नाम के। और अब हम पहुंच गए हैं लाडली जी महल की मुख्य सीढ़ियों की तरफ और देखिए भक्त जो प्रभु के दर्शन प्राप्त करके, किशोरी जी के दर्शन प्राप्त करके नीचे उतर करके आ रहे हैं। और इस बार यहाँ भक्तों को कोई परेशानी ना हो इसलिए नगर पंचायत की तरफ से यहाँ मिट्टी भी डाली गई है, क्योंकि शाम को यहाँ रंग से होली होनी है महाराज। क्योंकि लाला शाम को 4 बजे पधारेंगे श्रीधाम नंदगांव से, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, कीचड़ ना हो, इसलिए यहाँ रेता बालू डाली गई है जो पानी को सोख लेती है। तो आइए अब चलते हैं हम कटारा चौक की तरफ, वहाँ किस प्रकार का नज़ारा है, किस प्रकार का आनंद रस है उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। और इस बार होली में देखिए प्रभु की बड़ी बड़ी सुंदर झांकियाँ अंकित की गई हैं और मकानों को रंग बिरंगे रंग से रंगा गया है। ऐसे समझिए साक्षात स्वर्ग उतर करके ब्रज की धराधाम पर आ गया हो। आइए चलते हैं कटारा चौक की तरफ। और देश तो क्या विदेशी भी महाराज इस होली का आनंद लेने से नहीं चूकते। ये फॉरेनर हैं, कहीं बाहर से पधारे हैं महाराज, और देखिए होली के रंग में सराबोर हो गए हैं। कैसी अलौकिक महिमा है हमारी किशोरी जी की होली की महाराज, बाकी तो आप पूछो ही मत। और अब हम पहुंच चुके हैं रंगीली गली वाली टी पॉइंट पर जो कि कटारा चौक से पहले है। आप देख सकते हैं श्रीधाम बरसानों को इस बार कैसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। रंग बिरंगी झालर लटकाई गई हैं, पतंगे लटकाई गई हैं और बड़ा ही सुंदर लग रहा है इस बार बरसाना। यहीं से होकर के आप रंगीली गली तक पहुंच सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं कटारा चौक की तरफ, वहां कैसा आनंद है उसके भी दर्शन कराते हैं आपको। और देखिए श्रीधाम बरसाना में बच्चे किस प्रकार का आनंद रस लूट रहे हैं। आज हाथों में पिचकारी लेकर के ब्रजवासी बच्चे अपने अपने घरों से निकल करके आए हैं महाराज। और जो भी श्रद्धालु लाडली जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं सबको रंग लगा रहे हैं महाराज। बड़े ही भाव की यह लीला है और बड़ो ही आनंद रस श्रीधाम बरसाने में बरस रहे हैं। बड़े ही प्रसन्न हैं ब्रजवासी बच्चा। और आप देखिए कैसा सुंदर स्वरूप श्रीधाम बरसाने को इस बार प्रदान किया गया है। रंग बिरंगी झालरें लगाई गई हैं, पतंगे लगाई गई हैं महाराज। बड़ा ही मंगलमय दृश्य श्रीधाम बरसाने में आज लठामार होली के पावन दिन।
आइए बच्चों से बात करते हैं, कैसा आनंद रस अनुभव कर रहे हैं भैया। राधे राधे, कैसो आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है ब्रज में, और बढ़िया एकदम। ब्रज की होली अलग है और बढ़िया रूट है आपके आने जाने वाले। अब की बार व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, भरत रहे हो बरसाने वो रंग तीन लोक में ना। अगर अगर जग जग हो रही है, हो रही है तो ब्रज हो रहा है, ब्रज हो रहा। हाँ, वो लाडली लालों की होरी के रसिया की जय। और देखिए ब्रजवासी बालक कितने भाव से होली खेलते हैं, 11 महीने इंतजार करते हैं तब जाकर के ये दिन उनको मिलता है। और जो भी भक्त यहाँ से जा रहे हैं उनको रंग से सराबोर करते हुए निकाल रहे हैं, बड़े ही अद्भुत भाव से होली खेल रहे हैं ये ब्रजवासी बच्चे। और खूब लाडली जी के नाम का जयकारा, खूब हमारी किशोरी जी के नाम का जयकारा। और आइए अब जानते हैं ब्रजवासियों के अद्भुत भाव। महाराज राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। आज श्रीधाम बरसाने में जो आनंद रस बरस रहे हो है, वाको वर्णन करो अपने श्रीमुख से। जो रस बरस रहे हो बरसाने वो रस तीन लोक में नाए, वो रस आज पृथक में देख सकते हो। और ये लठमार होली के लिए देवता भी तरसते हैं, इंसान की तो चलती क्या है। जिस समय लठमार होली होती है सूर्य नारायण भी अपनी जगह पे स्थिर हो जाते हैं 5 मिनट के लिए। तो और ये स्थान वो स्थान है, सब जगह ठाकुर पूजे जाते हैं, यहाँ ठाकुर आज डंडों से पीटे जाते हैं और परम आनंद की वर्षा होती है। सखियां गुलचों से माल लगाती है। अच्छा। हाँ, जो परम आनंद की वस्तु बरसाने के अलावा ये दर्शन कहीं नहीं हो सकता। जय जय श्री राधे। बोलिए लाडली लाल की जय, होली के रसिया की जय। तो देखिए महाराज ब्रजवासियों के कैसे अद्भुत भाव है। ये वो भूमि है, अन्यत्र संसार में ठाकुर जी की पूजा की जाती है, परंतु आज श्रीधाम बरसाना में उसी ठाकुर जी को आज गुलचों से माल लगाई जाएगी। सखियां गुलचों से माल लगाएंगी, डंडों से माल लगाएंगी, और डंडे भी कोई साधारण नहीं, प्रेम में पगी हुई लाठियां। महाराज कभी उनसे किसी को चोट नहीं लगती, वो प्रेम में भीगी हुई लाठियां हैं जिसके लिए देवता भी तरसते हैं महाराज। और अनेकों रूप धारण करके श्रीधाम बरसाना की लठामार होली के दर्शन के लिए धराधाम पर उतर करके आते हैं। ऐसी अद्भुत और विलक्षण महिमा है श्रीधाम बरसाना की लठामार होली की। और महाराज अब हम पहुंच चुके हैं कटारा चौक पर, आप देख सकते हैं किस प्रकार का नज़ारा है कटारा चौक पर। यहीं हमारी किशोरी जी विराजमान है और आप देखिए कैसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है कटारा चौक को। समस्त भक्त खूब आनंद रस ले रहे हैं और ब्रज की रज में बैठ करके अपने आप को धन्य अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ब्रज की रज की महिमा महाराज अनंत है, या रज की महिमा को तो ब्रह्मा भी वर्णन ना कर सके हैं। भक्त पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ आज श्रीधाम बरसाना पधारे हैं आज हमारी किशोरी जी की लठामार होली के दर्शन के लिए। और देखो महाराज भक्तों के कैसे अद्भुत भाव हैं, रस से होली खेल रहे हैं, क्योंकि यह कोई साधारण रज नहीं है, महाराज श्रीधाम बरसाना की रज है जिसमें प्रिया जी और लालजू नित्य विचरण करते हैं। आइए जानते हैं इनके अद्भुत भाव। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से बता रहे हैं आप? हम बुंदेलखंड झांसी। झांसी से आए हैं आप? प्रथम बार आए हैं या आ चुके हैं? बहुत बार। कैसा आनंद अनुभव करते हैं? बहुत आनंद है, अद्भुत आनंद कर सकते हम लोग, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते किस प्रकार का आनंद हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। केवल हृदय में अनुभव किया जाता है, हृदय में। आज लाडली जी के चरणों में क्या प्रार्थना करके जाएंगे आप? बस कृपा है उनकी, जो जो कर दे, बहुत कुछ मांग रखा है, आप जो जो पूरा कर दे माता रानी। अगर भक्त अपने मन में कोई भाव उत्पन्न करे और लालजी जी पूरा ना करें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमारी किशोरी जी अपने भक्तों की सब मनोकामना पूरी करती हैं। और देखिए महाराज मैं एक और भाव के आपको दर्शन कराता हूँ। ये भक्त लड्डू बना रखे हैं देखो ब्रज की रज के, और जो भक्त यहाँ से निकल के जा रहे हैं उनको लड्डुओं की मार लगा रहे हैं, लड्डुओं से होली खेल रहे हैं। और देखिए कैसा सुंदर स्वरूप बनाया हुआ है, हमारे लाला को मोरपंख भी लगाए हुए, पगड़ी भी धारण करी है और चश्मा भी लगाए हुए। एक बार आप यह रूप के दर्शन तो करो महाराज, ब्रज में आए के नहीं है, बाहर के भक्त भी ब्रजवासी है जाए महाराज। पूरी मस्ती में, पूरी उमंग में है ये भक्त, झांसी से पधारे हैं महाराज। जिनके ऊपर श्री जी कृपा करती हैं उन्हीं को आने का सौभाग्य मिलता है। बोल हरि के रसिया की जय। मैं भक्तों के आनंद का कहां तक वर्णन करूं, आप साक्षात देख सकते हैं, ब्रज की रज के लड्डू बना रखे हैं। और देखिए कल हमारी स्वामिनी जी ने अपने भक्तों के ऊपर खूब लड्डू लुटाए, खूब भक्तों ने आनंद लिया उन लड्डुओं का,
और इन भक्तों के कैसे भाव हैं, आज रज के लड्डू बना रखे हैं महाराज और इनसे होली खेल रहे हैं। बोलिए राधा रानी की। देखो कान्हा जी को साथ में लेकर के मैया पधारी हैं, कैसो अलौकिक भाव है, और ब्रज की रस से लाला से होली खेल रही हैं। मैया राधे राधे। वो मेरी गिरधर गोपाल में उनकी मीरा बाई हूँ। मैं बीते हुए कल में जी जो मैं एक साल से गिरधर की बैरागिन बन गई और मीरा बाई बन गई, मेरे सारे दरवाजे बंद थे और आज मेरे लिए गिरधर ने सारे दरवाजे खोल दिए। मैं गिरधर की हो गई, गिरधर मेरा हो गया, मैं प्रेम दीवानी हो गई, वो मेरा हो गया। महाराज कैसे भक्तों के भाव हैं, जो प्रभु के चरणों में आ जाते हैं उनका कैसे जीवन परिवर्तन हो जाता है। ये मैया पधारी हैं और लाला से होली खेल रही हैं, तो ब्रज रस से जो कि हमारे कन्हैया को सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसी मुझ पे कृपा करी गिरधर, ऐसी सारी वैश्याओं पे करना, तूने एक वैश्या पे कृपा की, एक गिरधर में लाख जन्म तेरी मीरा बनना चाहती हूँ, इस दुनिया के रंग में नहीं गिरधर, तेरे ही इस रंग में ही रहना चाहती हूँ। मीरा भाई साक्षात कहती है महाराज, ऐसे बरकूं क्या बरूं, जो जीवे और मर जाए, बर बर ये गोपाल कूं, मेरो चुड़लो अमर है जाए। संसार के पति को क्या पति मानना, पति मानो तो उनको मानो जो संसार के पति हैं, जो कभी विधवा होना ही ना पड़े, इसी भाव को लेकर के मैया पधारी हैं और अपने जो अपराध हैं उनका भी वर्णन करने से नहीं चूक रही हैं, सबको बता रही हैं कि मैं क्या हूँ। ये एक भक्त की पहचान होती है महाराज, संसारी लोग सब बातों को छुपा करके करता है मगर भक्त सबके सामने करता है। आइए होली में अनेकों रंग देखने को प्राप्त हो रहे हैं महाराज, इस मैया की भक्ति को देख करके मैं भी आश्चर्य में पड़ गया, क्या ऐसे भी भक्ति होती है। आइए मैं आपको और भी दर्शन कराता हूँ होली के, और अब हम पहुँच चुके हैं कटारा चौक पर, जिसको मेले में नाम दिया गया है श्री राधा रानी सेल्फी पॉइंट, उस स्थान पर जहाँ साक्षात हमारी त्रिलोक स्वामी श्री राधा रानी विराजमान है, हमारी किशोरी जी विराजमान है। ऐसा लगता है जैसे हमारी स्वामी जी अपने सब भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रही हैं। और आइए मैं आपको यहीं से दर्शन कराता हूँ भक्तों में किस प्रकार का आनंद रस है, कैसे भक्त आनंद ले रहे हैं। और इस बार जो मंदिर जाने की व्यवस्था की गई है वो बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है, ये मंदिर जाने का ही मार्ग बनाया गया है इस बार, ताकि भक्त मंदिर पहुँच सकें और जो सीढ़ियाँ जाने की हुआ करती थी उसको एग्जिट के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है। और श्री जी के श्री चरणों से मैं आपको दर्शन कराता हूँ भक्तों के, देखिए कैसा आनंद रस इस बार बरसाना धाम की लठामार होली में बरस रहा है भक्तों के रूप में, भक्त कैसे आनंद रस में डूब गए हैं, राधा रानी के नाम के जयकारे लगाते हुए भक्त हल्के हल्के कदमों से मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और खूब आनंद में पूरे उत्साह में रंग गुलाल उड़ाते हुए भक्त लाडली जी के दर्शन के लिए पधार रहे हैं। बोलिए लाडली लाल की जय, होरी के रसिया की जय। और श्रद्धालुओं की व्यवस्था को ध्यान में रखकर के इस बार बड़ी सुंदर व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और रंग से भी कुछ भक्त होली खेल रहे हैं महाराज, जो भी भक्त जा रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा रंग लगा रहे हैं, और आप दर्शन कर रहे हैं उन भक्तों का जो आज श्रीधाम बरसाना पधारे हैं लठामार होली के पावन दिन। जहाँ तक निगाह जाती है, दूर कैमरे की भी निगाह जहाँ तक जाती है, वहाँ तक भक्ति भक्त और श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, और समस्त ब्रजवासी खूब होली खेल रहे हैं भक्तों के साथ। बड़ी ही प्राचीन परंपरा का आज दर्शन श्रीधाम बरसाना में हो रहा है, लगभग 5,500 साल से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है, और प्रतिवर्ष समस्त भक्त और समस्त ब्रजवासी बड़े ही सुंदर भाव से इस परंपरा का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। और कहते हैं तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। जिस प्रकार से तीनों लोकों से न्यारी हमारी किशोरी जी हैं, ऐसे ही हमारी किशोरी जी की लठामार होली तीनों लोकों से न्यारी है। संसार में आपको ऐसी होली के दर्शन कहीं भी प्राप्त नहीं होंगे जैसी श्रीधाम बरसाना में होली होती है।
कहने को लठामार होली है, परंतु उन लाठियों से आज तक कभी किसी को चोट नहीं लगी, क्योंकि प्रेम में पगी हुई, प्रेम में भीगी हुई वो लाठियाँ हैं जिनसे सिर्फ प्रेम बरसता है महाराज, किसी को चोट नहीं लगती। ऐसी अद्भुत महिमा है श्रीधाम बरसाना की, लठामार होली की। और श्रीधाम बरसाना में इस बार लठामार होली के पावन अवसर पर जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, ताकि भक्त यहाँ फोटो खींच सकें। और खूब आनंद रस आज लठामार होली के पावन दिन श्रीधाम बरसाना की धरा धाम पर बरस रहा है। भक्तों के रूप में भक्त खूब आनंद ले रहे हैं, भक्त नाच रहे हैं, भक्त झूम रहे हैं, भक्त गा रहे हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं श्रीधाम बरसाना के मुख्य गेट का, आप देख सकते हैं दूर जहां तक निगाह जाती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और जगह जगह पर पर्यटन विभाग की तरफ से ये रंगोत्सव के रूप में यहाँ स्टेज बनाए गए हैं, जिस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भक्तों को दिखाया जाना है। शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भक्तों को यहाँ दिखाए जाते हैं, दर्शन कराए जाते हैं, उसी के लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। और अब हम पहुँच चुके हैं श्रीधाम बरसाना के मुख्य द्वार के नीचे ठीक खड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार का आनंद रस है भक्तों का। भक्त निरंतर लाडली जी महल की तरफ चले जा रहे हैं, हर वक्त यही चाहता है कि एक झलक आज के पावन दिन हमें किशोरी जी की प्राप्त हो जाए। भक्त खूब गुलाल उड़ा रहे हैं, खूब आनंद में डूब गए हैं। आज देश और विदेश से अनेकों श्रद्धालु आज लठामार होली के पावन दिन श्रीधाम बरसाना पधारे हैं। और भक्त खूब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े ही हर्षोल्लास का दर्शन आज श्रीधाम बरसाना में लठामार होली के पावन दिन हो रहा है। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आनंद रस लूट रहा है, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में परम आनंद को प्राप्त कर रहा है। यही इस भूमि की महिमा है और यही इस भूमि की दिव्यता भी है। विश्व प्रसिद्ध लठामार होली शाम को 4 बजे यहाँ खेली जानी है। आज श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों को साथ में लेकर के आज किशोरी जी से खेलने के लिए श्रीधाम बरसाना पधारेंगे। और आज आपने लठामार होली के पावन दिन लठामार होली से पहले श्रीधाम बरसाने के जो आनंद रस बरस रहा है, उस आनंद रस के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद को अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को यह आनंद रस प्राप्त हो सके। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शाम को 4 बजे जो होली होनी है उसके दर्शन भी आप ब्रजमहिमा चैनल के माध्यम से बड़े ही सुंदर स्वरूप में कर पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। बोल होली के रसिया की जय।